Vai entrar aqui, né? हम सबके साथ बात करके डिसाइड करते हैं ना नहीं ना देख सर नहीं काट सॉरी बोले अब मत कर एक्शन निशु एक सेकंड कर दे मार ओके बोले एक्शन निशु निशु सर ठंडे दिमाग से सोच हम सबके साथ बात करके डिसाइड करते हैं ना देख सब कुछ ठीक हो जाएगा माय वो भी कर लूँगा ठीक है एक्शन निशु सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं ना तो जो भी करना है ठीक है एक्शन ठीक है मैं भी चलता हूँ नहीं बात मुझे कुछ नहीं और मैं यही वापस आऊँगी Let's start crying now. Start over. Counter. हाँ, पापा ने तो ऐसे ही बताया कि डिवोर्स का पेपर कबीर ने दिया. ये डिवोर्स पेपर्स कबीर ने नहीं भेजे हैं बिकॉज कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता है. समवेयर डाउन द लाइन मुझे पता है कि कबीर मुझसे प्यार करता है तो पता नहीं ये किसने किया है. अब बस मैं जा रही हूँ पता लगाने के लिए कि ये किसने किया है मेरे और कबीर के साथ ऐसा मजाक. सो या तो उस समय निशा क्या सोची जब उनके हाथ में लेटर मिला. मैं ऑफकोर्स बहुत ही सरप्राइज थी. मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी. हाँ व्हाट हिंदी. सो हाँ बहुत ही शॉक थी मैं. बट मुझे पता है कि ये कभी नहीं कर सकता कभी भी. लगता है कि उनके मॉम ने किया होगा कभी. मे बी मतलब अनेरी को पता है कि हाँ उसकी मॉम ने किया होगा. निशा को नहीं पता कि उसकी मॉम ने किया. क्या चल रहा है फिल्म निशा की लाइफ में. क्या चल रहा है निशा की लाइफ में. अभी बस कुछ ना कुछ हो ही रहा है. निशा लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड. मगर हाँ बहुत जल्दी मैं और कबीर मिल जाएंगे. एंड वी लास्ट ईच अदर. हम लोग आज क्या हम तो पति पत्नी हैं. बट वील से दैट वी लव ईच अदर वेरी सून. कबीर तो चला गया लंदन. आई डोंट नो कबीर इज हियर. सो आई डोंट नो कि मैं कबीर से मिलूंगी या पता नहीं किससे मिलूंगी. आई थिंक मुझे लगता है कि विराज ने किया होगा तो मैं विराज के पास जाऊंगी. लेकिन जहाँ तक कि मोमो डैड के सवाल है तो ईशा के लाइफ को लेकर बहुत वो असंतुष्ट है क्योंकि उन्होंने जो सुना जो किया और आपके मन को बहुत रो रही है. ऑफकोर्स मम्मा को जब मालूम पड़ेगा किसी भी माँ को ये मालूम पड़ेगा तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी. तो वन माई ऑन स्क्रीन मॉम इज द सेम. शी इज कंसर्न कि अपनी बेटी को कैसे क्या करेगी वो. पर उनकी बेटी बहुत ही टॉप है. वो किसी से डरती नहीं है. और जैसे उसने हर एक फैसला अपने आप से लिया है ये भी फैसला अपने आप से लेकर उसी में प्रूव दैट वो सही है. क्या और ट्विस्ट टर्न्स क्या देखोगे अब आप. अब तो वही होगा कि मैं और कबीर मिल जाएंगे बिकॉज आई थिंक सेकेंड लास्ट वीक ऑफ एनी यू सी. सो
फैंस को बस ये कहना चाहूंगी कि आपने हमें इतना सहारा नहीं, मुझे हिंदी वर्ड यूज करना है, सहारा है, सहारा बोलते हैं कि सहारा है, और आपने सराहा है, अंदोनी हिंदी, क्योंकि मुझे पता चला है कि मैं हिंदी में बहुत ही वीक हूँ, तो आप हाँ वो तो ऑब्वियसली ऑन लोकेशन तो आपको नहीं पता लगेगा, बट ऑफ स्क्रीन आई एम, बहुत ज़रूरत है मुझे हिंदी ट्यूशन की, तो अगर आप कोई है जो मुझे हिंदी ट्यूशन पढ़ा सकता है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। एनी वे फैंस, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है हमें, और अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, तो प्लीज़ कीप लविंग मी। अब आगे बहुत कुछ आएगा, निशा के किरदार में नहीं, कहीं आप मुझे और देखोगे होपफुली, तो आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू, खोल दीजिए ना, किस शो में मिलने वाले हैं? नहीं नहीं अब तो कुछ पका ही नहीं है, आई एम शूटिंग एवरीडे हियर। थैंक यू, थैंक यू।